हाय गाइज़, वेलकम बैक टू राखीज़ व्लॉग। गाइज़ आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बचे हुए चावल की रेसिपी। तो गाइज़ कभी कभी हमारे यहाँ चावल एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो उन बचे हुए चावल से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कटलेट बनाने की रेसिपी। आप चावल से कटलेट बना सकते हैं। तो गाइज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज़ चावल के कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल रात के बचे हुए चावल ले लिए हैं। इसको मैंने एक बड़े बाउल में कर लिया है। एंड मैंने यहाँ पे हाफ कटी हुई शिमला मिर्च ले ली है। एंड दो उबले हुए आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक कटी हुई प्याज एंड एक कटी हुई हरी मिर्च ले ली है। एंड थोड़ा सा मैंने कद्दूकस किया हुआ अदरक ले लिया है। तो गाइस सबसे पहले हम चावल को मैश कर लेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको हाथ से अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए। अब हम इसमें चॉप करे हुए बॉइल्ड आलू को ऐड कर लेंगे। एंड देन अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे, कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे, हरी मिर्च एंड अदरक भी ऐड कर लेंगे। एंड गाइस अब मैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अब मैं एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। गाइस अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। एंड अब मैं हाफ टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चाट मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। गाइज अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर अवेलेबल नहीं है तो आप अरारूट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डो को बाइंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। अब हम कटलेट बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। गाइज अगर आपका डो पतला है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं। अब हम कटलेट बनाकर देख लेंगे कि हमारी डो की कंसिस्टेंसी सही है या नहीं। तो देखिए अब हम इसको गोल गोल शेप दे देंगे। गाइज अगर आप कटलेट के लिए कोई और शेप देना चाहते हैं, अगर आप रोल वाली शेप देना चाहते हैं तो रोल शेप भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड राउंड शेप दे रही हूँ। ऐसे ही करके हम सारे कटलेट बना लेंगे। तो गाइज अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख दूँगी। एंड देन उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। गाइज 10 मिनट हो चुके हैं एंड मैंने कटलेट को फ्रीज से निकाल लिया है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। गाइज कटलेट को फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई रख दी है एंड मैंने इसमें सोया ऑयल को ऐड कर दिया है। तो कटलेट को हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करने वाले हैं। गाइज अगर हम हाई फ्लेम पे कटलेट को फ्राई करते हैं तो कटलेट ऊपर से ही फ्राई होंगे एंड अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें कटलेट को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अब हम पहले कटलेट को एक साइड से फ्राई करेंगे एंड देन अब उसको पलट लेंगे। तो गाइस देखिए कटलेट फ्राई हो चुके हैं एंड ये ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे एंड देन हम बाकी बचे हुए कटलेट को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो गाइज़ आप लोगों ने देख ही लिया है कि बचे हुए चावल से कटलेट बनाना कितना आसान है एंड कितना सरल है। तो गाइज़ नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपके यहाँ चावल एक्स्ट्रा बनते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड गाइज़ अगर आप इसमें अदर वेजिटेबल्स भी यूज़ करना चाहते हैं, लाइक आप कैरेट यूज़ करना चाहते हैं या फिर कॉर्न ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो गाइज देखिए सारे जो हमारे कटलेट्स हैं वो मैंने फ्राई कर लिए हैं एंड अब मैं इसको केचप के साथ सर्व कर लूँगी। तो गाइज आप इसको इवनिंग स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं एंड अगर आपका मन कर रहा है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में तो आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी इसको बना सकते हैं। ये आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइज आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए एंड अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर कीजिए। गाइज ये कटलेट दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में ये उतने ही टेस्टी हैं एंड क्रिस्पी हैं। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ आप इसको भर भर के लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।